सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। बात बोलेगी कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग गांधी और नेहरू के संबंधों की चर्चा करेंगे और इन संबंधों की चर्चा इसलिए भी क्योंकि आज ये माहौल बन गया है जिसमें लग रहा है कि नेहरू ने गांधी का उत्तराधिकारी होने का दावा करके उनके साथ बड़ा छल किया है। नीतियों की बात करें तो एक बार ये कन्फर्म भी होता लग रहा है क्योंकि जो नीतियां गांधी की थी वो नेहरू की नहीं थी और नेहरू ने आजादी के बाद वही नीतियां चलाई जब देश अपने शासन में आया, जिससे गांधी की नीतियां धीरे 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 किनारे होती गई और आज की तारीख में गांधी का पूरा ही जो बनाया ढांचा था उसको कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि ग्लोबलाइजेशन ने नेहरू की नीतियों को भी काफी हद तक खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया और नेहरू युग की चीजें आज बेच बेच के सरकार अपना खर्चा चला रही है और उस पूरी नीति पे भी आज मेरे सारे सवाल उठ रहा है। नेहरू गांधी के संबंधों के बारे में ये बताना जरूरी है कि गांधी का आंदोलन या गांधी उस समय तक काफी प्रभावी हो गए थे जब नेहरू आए हैं, लेकिन नेहरू सिर्फ नेहरू होके नहीं आए थे, जवाहरलाल होके नहीं आए थे, वो मोतीलाल नेहरू के पुत्र होके आए थे और काफी बड़े पृष्ठभूमि से आए थे। मोतीलाल जी उस समय के देश में सबसे ज्यादा कमाने वाले वकीलों में थे, उनकी जीवन शैली की चर्चा थी, नेहरू के लिए भी कई तरह के किस्से चलते हैं, लेकिन नेहरू जब आए तो वो गांधी के होकर रहे और गांधी से 50 मतभेद के बावजूद आखिर तक गांधी के साथ ही लगे रहे। सुभाष बाबू से बल्कि उनका इस बात पर मतभेद हुआ और सुभाष बाबू इस बात पर उनको काफी नाराज रहते थे कि तुम हमसे तो अलग बात करते हो लेकिन गांधी के सामने पढ़ने के बाद तुम कुछ भी दूसरा नहीं बोलते हो। गांधी भी नेहरू के बारे में जानते थे कि उनकी राय क्या है और ये बात बार बार बोलते थे कि नेहरू मेरे मरने के बाद मेरी बात बोलेंगे। नेहरू विदेश में जाके गांधी की बात काफी बोलते थे, मुल्क के पॉलिटिक्स में भी काफी चीजें उन्होंने गांधी के हिसाब से की, अपने जीवन में गांधी को काफी उतारा, जो आराम की शैली और जो उनके खर्चे के तरीके थे उसमें काफी किस्से हैं कि नेहरू किस तरह से सामान्य हुए, सामान्य गांधी के अर्थ में नहीं हुए, हिंदुस्तान के आम आदमी के अर्थ में नहीं हुए, लेकिन मोतीलाल नेहरू के पुत्र और इतनी कमाई वाले परिवार के उत्तराधिकारी होने के हिसाब से तो काफी सामान्य जीवन जीते थे और काफी खादी पहनने से लेके सब पूरे जीवन खादी छोड़ के मेरे ख्याल उन्होंने बाद में कुछ भी नहीं पहना, तो उस हिसाब से उनका जीवन सामान्य रहा लेकिन नीतियों में जरूर फर्क रहा। और गांधी और नेहरू के रिश्तों को समझते हुए और एक तो यही कि गांधी ने क्या उनको उत्तराधिकारी बनाया नहीं बनाया ये बात, लेकिन ये अब 50वीं जगह से ये बात साबित होती है कि गांधी ने उन्हीं को चुना और किसी को नहीं चुना, बल्कि ये च्वाइस सचमुच उस किस्म का चला कि किसको गांधी आगे करेंगे और आखिरी रेस में पटेल भी थे, आखिरी रेस में राजा जी भी थे और नेहरू भी थे, इन लोगों का नंबर क्यों कटता गया, कैसे कटता गया ये अपनी जगह है, वो उस कहानी में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने नेहरू को आगे किया उस क्रूशियल वक्त में जब नेहरू को कांग्रेस का चार्ज दिया गया, सरकार का चार्ज दिया गया, इसका मतलब ही था कि आजाद भारत में अगुवाई उन्हीं को सौंपी जाएगी और इसको लेके राजा जी ने तो ज्यादा मतभेद नहीं दिखाया, पटेल काफी दिन तक इस चीज को स्वीकार करने में उनको थोड़ी तकलीफ हुई क्योंकि उनकी सीनियरिटी थी और ये माना जाता था कि वो गांधी के ज्यादा करीब हैं, गांधी मूल्यों के ज्यादा करीब हैं, आंदोलन में भी एक संगठनकर्ता के तौर पर पटेल की ख्याति शायद सबसे ज्यादा थी गांधी के बाद, तो लेकिन नेहरू ने कोई गांधी के साथ छल किया हो ऐसा मानने के बहुत सारे कारण नहीं है। नेहरू और गांधी का क्या मतभेद है ये पहले दिन से क्लियर है, बल्कि 28वें जब ये प्रस्ताव बनने लगा कि देश को पूर्ण स्वराज चाहिए उस सवाल से ही गांधी नेहरू का मतभेद काफी साफ दिखाई देता है। गांधी उस समय तक पूर्ण स्वराज के हक में नहीं थे, वो डोमिनियन स्टेटस को मानते थे, ये मानना चाहिए, लेकिन जो भी नौजवान पीढ़ी आई जिसमें सुभाष भी थे नेहरू भी थे इन सब लोगों को लगता था कि पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए। गांधी को ये बात अखरती थी, उनको लगता था कि हम बार बार प्रस्ताव पास करेंगे और हमारी क्षमता नहीं होगी
तो पूर्ण स्वराज का भी मजाक उड़ेगा, हमारा मजाक तो उड़ेगा ही, पूर्ण स्वराज का भी मजाक उड़ेगा। तो इसलिए पूर्ण स्वराज की बात तब करनी चाहिए जब हम कुछ क्षमता विकसित कर ले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 29 में कांग्रेस ने, लाहौर कांग्रेस में ये पास किया प्रस्ताव कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो गांधी नेहरू का मतभेद उसी समय से है और एक बार नहीं बार बार इन दोनों में टकराव हुआ। पूर्ण स्वराज के सवाल पे ही नहीं हुआ, असली टकराव तो समाजवाद और गांधी के तरीकों को लेके हुआ, खादी को लेके हुआ, चरखे को लेके हुआ। और नेहरू उससे असहमत हैं, ये बात इतिहास के किसी भी पन्ने पे कोई जाएगा तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं था कि गांधी की बातों से नेहरू सहमत नहीं है। और इन दोनों में इतने भयंकर मतभेद थे और इतने भयंकर चिट्ठी पत्री और बहस हुई कि कई चिट्ठियां आज की तारीख में, गांधी काफी सारी चीजें संभाल के रखते थे लेकिन नेहरू के पत्र को, उन्होंने कई पत्रों को, खासतौर से एक पत्र माना जाता है 34 का, उस पत्र को उन्होंने फाड़ के फेंक दिया क्योंकि उसकी भाषा ऐसी थी कि उनको लगा कि ये हमारे प्रति जो सामान्य शिष्टाचार और आदर नेहरू के मन में है ये उस सीमा को भी लांघ रहा है। तो इतने मतभेद थे और इन मतभेदों के बीच खूब बहस हुई है और लंबी लंबी चिट्ठियां हैं। जिस किसी को भी पढ़ने की इच्छा हो वो पढ़े और वो पढ़ के ये समझ सकता है कि नेहरू कहीं भी जल्दी गांधी से सहमत नहीं है, खासतौर से आर्थिक विकास के मॉडल पे। और नेहरू की सोच के पीछे सोवियत संघ की सफलता थी। गांधी को लगता था कि सोवियत संघ की सफलता है अपनी जगह, लेकिन लोकतंत्र का मामला है, डिसेंट्रलाइजेशन का मामला है, प्रकृति से मेल आर्थिक विकास का हो इसका मामला है। गांधी इन सारे पक्षों को सोचते हुए सोवियत मॉडल पे गंभीर सवाल उठाते हैं। आखिरी दिनों में उनको लगता था कि पूंजीवाद या जमींदारी, इन दो सवालों पे हमको कुछ अलग करना पड़ेगा। और ये बात वो बोलते थे कि हमारा बस चले तो हम एक दिन में जमींदारी खत्म कर दें। इस बात पे भी वो सहमत थे कि वो जो सिद्धांत मानते हैं ट्रस्टीशिप का, देश के किसी पूंजीपति ने, जो उनके सबसे करीब थे जमनालाल बजाज, उन्होंने भी पूरी तरह से ट्रस्टीशिप को नहीं अपनाया। घनश्यामदास बिरला ने नहीं अपनाया। इन दो लोगों ने काफी कोशिश जरूर की कि अपना व्यवहार बदले, लेकिन ये भी ट्रस्टीशिप को पूरी तरह से मानने वाले नहीं थे। लेकिन गांधी को लगता था कि इतना इंतजार करना अब देश आजाद होने के बाद शायद उचित नहीं है। तो वो इस पक्ष में भी थे कि कानून बना के शासन सब लोगों की चीजें अपने हाथ में लेगा और फिर वो अपने हिसाब से चलाएगा। लेकिन मतभेद दोनों का, नेहरू और गांधी का, अपनी जगह रहे और वो आखिरी दिन तक रहे। और गांधी जब उनको अपना नेता चुन रहे थे मुल्क का नया, तो उस समय तक भी दोनों के बीच में किसी किस्म की गलतफहमी नहीं थी कि नेहरू जाके सुधर जाएंगे। बस ये बात जरूर गांधी बोलते थे कि मेरे न रहने के बाद नेहरू ये चीज बोलेंगे। नेहरू ने बाद में भी जो चीजें की हैं उसमें किसी किस्म का कोई, हालांकि वो सिर्फ नेहरू का क्रेडिट हमको नहीं देना चाहिए, ये पूरे उस जनरेशन का क्रेडिट है कि उसमें कोई भी आदमी किसी तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से काम करता हो, जैसे जो उस समय खुले बाजार के पक्षधर थे जिसमें राजा जी सबसे आगे थे, उनका किसी पूंजीपति घराने से कोई रिश्ता हो या किसी पूंजीपति को लाभ पहुंचाने की, ये बात बार बार गांधी पे ही, बल्कि हमारे कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस ने काफी अटैक किया इस बात के लिए कि गांधी का आंदोलन कुल मिला के देशी पूंजी को बढ़ाने वाला था, विदेशी पूंजी के खिलाफ था। बल्कि वो उन्होंने देश की आजादी को भी नकली आजादी कहा क्योंकि आर्थिक आजादी नहीं मिली थी। गांधी और नेहरू में ये मसला नहीं था और नेहरू का कोई भी फैसला किसी भी किस्म के वेस्टर्न इंटरेस्ट की वजह से हुआ हो, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए हुआ हो, उससे अपना कोई लाभ हुआ हो, परिवार का लाभ हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेहरू ने पूरी ईमानदारी से 17 साल मुल्क को खड़ा करने का, देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, विकसित करने का और बड़ी संस्थाएं खड़ी करने का जो देश को आगे ले जाएंगी, इसकी कोशिश की। ये नजरिया गांधी का नहीं था, ये गांधी भी जानते थे। इसके बावजूद उन्होंने नेहरू को सबसे आगे किया क्योंकि उनको नेहरू में वो क्षमता दिखाई देती थी और नेहरू इतने पढ़े लिखे थे, दुनिया में उनकी इतनी इमेज थी। और एक कहानी मैं फिर दोहराने का लोभ नहीं रोक पा रहा हूं कि नेहरू के सबसे बड़े क्रिटिक डॉक्टर लोहिया मानते थे कि मुल्क में डेढ़ ही लोग हैं, एक गांधी और आधा नेहरू। और जब आइंस्टीन से उनकी बात हुई इसी बात पे कि तुम इतनी आलोचना क्यों करते हो नेहरू को,
नेहरू की, तो उन्होंने कहा कि नेहरू सब तरह से अच्छे हैं और मैं उनको बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए उनके खिलाफ बोलता हूं। लेकिन नेहरू के साथ दिक्कत ये हुई है कि वो अच्छे नस्ल के घोड़े तो जरूर हैं लेकिन उन पे सवार नहीं है अच्छा, और गांधी के बाद उनको कोई अच्छा सवार सवारी करने वाला, अच्छी दिशा दिखाने वाला, उनकी क्षमता का उपयोग करने वाला आदमी हमारे यहाँ नहीं है। यही नेहरू की दिक्कत है। तो आज की कहानी इतनी ही, अगले एपिसोड में हम फिर एक नई कहानी लेंगे।